नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के फतेहाबाद में गांव डिब्बी में दबंगों ने फूका एक गरीब परिवार के बाहर बना पशुओं का बाड़ा। घर के बाहर पंचायती जमीन पर पशुओं का बाड़ा बना हुआ था, जिसमें एक बछड़ी की मौत हो गई है और एक गाय झुलस गई। गांव में स्थिति तनावपूर्ण है। डीएसपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति नियंत्रण में की। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। हरियाणा के फतेहाबाद में एक डिब्बी गाँव में माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया जब कुछ गांव के ही लोगों ने एक गरीब के घर के बाहर बने पशुओं के बाड़े में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि ये लोग एक विशेष समुदाय से हैं और पंचायती जमीन को खाली करवाने के लिए अनुसूचित जाति के लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है। दरअसल कुछ समय से लेकर के पंचायती जमीन पर विवाद चल रहा है और दो समुदाय के लोगों के बीच में तनातनी है। अनुसूचित जाति के लोगों के घरों के बाहर आग लगाने से माहौल गर्मा गया। बताया जा रहा है कि गाँव डिब्बी में करीबन 30 साल पहले सरपंच मांगेराम ने परिवारों को तीन तीन मरले भूमि अलॉट की थी, जिसमें लगभग 70 प्लाट थे। उन्हीं प्लाटों को लेकर के दो व्यक्ति अनुसूचित वर्ग को वहां से उठाना चाहते हैं। आरोप है कि ये लोग पहले भी इस पर हमला कर चुके हैं। इस दौरान मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को मौके पर आना पड़ा। इस मौके पर पुलिस बल के साथ डीएसपी खुद वहां पर पहुंचे और तनावपूर्ण स्थिति को नियंत्रण में लिया। वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। ये पंचायती जो जमीन थी, जो प्लॉट वगैरह पहले आवंटित हुए थे, उसकी पैमाइश के संदर्भ में जब रेवेन्यू महकमा आया था तो कुछ लोगों ने शार्ट कर दी, जिससे छप्पर था मौके पर जो था उसमें आग लग गई और एक पशु भी उसमें जल गया है। कौन सा पशु जला? बछड़ा है। कितने लोगों पर मामला दर्ज है? बस होगा 4-5 साल का जैसे होता है। कितने लोगों पर मामला दर्ज है? लोगों तो काफ़ी लोग हैं इसमें, तो बाकी एक दो नामजद भी है जिसमें एफआईआर में। तो प्लाटों को लेकर क्या झगड़ा सामने आया सर? ये कोई पैमाइश का मैटर है जिनका। कुछ सुनने में आया कि लड़की थी उसको भी आग में धकेलने का काम कर रहे थे? नहीं, ऐसा तो लड़की गई थी मौके पर, वो भी पशु जल रहे थे तो जल रहा था तो उसको भी जैसे शोक सा लगा और वो भी बेहोश हो गई थी। श्री हरचंद जाति जाट, हाँ, और जिसने सीएम विंडो लगा रखी थी और ग्राम पंचायत टिब्बी के द्वारा 1979 में प्लाट काटे गए थे और जिनका रेजुलेशन ग्राम पंचायत की कार्रवाई में दर्ज है, जिसने कुछ दिनों से ये मामला मतलब गांव में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं, जिसमें मैं खुद सीएम साहब से भी 2-3 बार मामले के संदर्भ में मिल चुका हूं कि इन लोगों के जो ग्राम पंचायत टिब्बी के द्वारा जो प्लाट काटी गई है इनको नाम करवाई जाए, लेकिन उन्हें डीडीपीओ साहब को 15 दिन का अथॉरिटी दी थी। उसके बाद भी हम प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला जी से भी कई बार मिल चुके हैं, लेकिन कल एकदम खड़ीपक कानूगो साहब का और पटवारी साहब मेरे पास फोन आया था भी आपके गांव में पंचायती जमीन पर भी इन लोगों ने कब्जा कर रखे हैं, तो ये बात हमने कही थी भाई ये कब्जा नहीं है, पंचायत के द्वारा प्लाट काटे गए थे 1979 में। फिर मैंने ये भी बोला था भी इसमें जो जान की मदद लियो आप। तो कितने लोग रहते हैं वहाँ पे? वहाँ कम से कम 100-150 घरों के करीब रहते हैं, जिसमें मूलभूत सुविधाएं जल पानी बिजली वगैरह सब चीजें है जी अवेलेबल है। नहीं, जिन्होंने आग लगाई है किन्होंने आग लगाई है, कौन कौन किस समय? वो तो सर मेरे पास तो फोन आया था, मैं बाहर गया हुआ था, इस मामला लगेगा भी किन लोगों ने लगाई है। दोनों समुदायों का एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि आग इन्होंने लगाई है, तो आप क्या मानते हैं इसके पीछे क्या कारण है? इसमें सर वहाँ तो मैं जो तफ्तीश होगी उसके द्वारा पता लगेगा, और क्योंकि आग लगानी उन लोगों ने लगा, बैठे लोग बैठे हैं जिसमें गौ हत्या कर दी गई है, वो बछड़ा जल गया, वो मर गया तड़फड़ा के, और जो गाय थी वो तुड़ा करके भाग गई है और कुछ और भी जड़े है वहाँ। क्या नाम है आपका? सरपंच प्रतिनिधि श्री विनोद कुमार जी। ये आपके गाँव में क्या मसला हुआ आज? आज हमारे गांव में ये पैमाइश करने के लिए आए थे, इन्होंने बंदों ने पैमाइश नहीं करने दी। अच्छा। तो प्रशासन भी साथ में कर्मचारी कान को पटवारी थे, हाँ। तो इन्होंने जबरदस्ती दूर से होके इन्होंने आग लगा दी, आग लगा बछड़े को जला दिया और उसके बाद में ये उधर हमारे गाड़ी गलौज देने लगे, तो हम वहाँ से चले गए। ये आग लगाने वाले कौन कौन थे? ये है जी कृष्ण सुनोब सुरजाराम। अच्छा। बाणजा गाँव का जी। अच्छा। और उसने लगाई थी बछड़े को? हाँ जी, गाँव थे वहाँ भाग गई दूर और बच्चा उसके
नजदीक में उसको जला दिए गए। मौके पर कौन कौन आए थे प्रशासन के? मौके जी अपने जी कानको साहब और पटवारी शिव कुमार जी। और अधिकारी आला अधिकारी? और अधिकारी कोई नहीं आया जी। पुलिस के कोई? और कोई नहीं। बार बार हमने आपने इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की? सीएम विंडो के अंदर जी तीन बार शिकायत दे चुके हैं जी। अच्छा, तीनों बार टाल मटोल करके चले जाते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुलदीप है सर। बाप का नाम हरिचंद जी। खाली करवाने खातर है हालत में कौन नहीं खाली करवाऊंगा तो डांगर बंदर जी डांगर आग ला दी खातर आया जगह। किस किस ने लगाई आग? एक तो सतपाल जी कुलड़िया और एक जी खरवा का लड़का जी। अच्छा, शिशपाल जी और एक जी लमरदार जी। लमरदार जी अपने गांव का ही जाट है जी। ओम प्रकाश सलामी सलाह करके जी सारा जाटा ने मैं तो ये फिता जान लगे रोज कुलड़िया कर पाए जी आके आके लड़की अपनी बाज के छुटान लग गई लड़की जो लड़की ने बांध भर के मां गिरन लगे लड़की ने जो गाम राम भाजया जी बने पटवारी को नहीं उसने लड़की ने बचाई है जी। अच्छा, उसको भी आग में डाल रहे थे? हाँ, आग में डाल रहे जी लड़की ने। कौन डाल रहा था ये पटवारी? ये भाई जी आग लगानी है जी। इनमें किसी का नाम होगा? हाँ, कुलदीप जी। कुलदीप लड़की ने पकड़ के आग में गिरन लग गया जो पटवारी छुटवाई जी लड़की। मौके पर कौन कौन प्रशासन आया हुआ था यहाँ पे मिनती के लिए? मिनती के लिए यही है जी गाम राम सारा ही पटवारी भी है। आप खुद आज पटवारी आप भी आजी कुलदीप और ये क्या नाम है सतपाल ये लंबरदार ये सारे ही जी। पांच मिनट पहले स्कूल में से आए ये आम तीन सीधी घटना करिए जी बुरा है काट के रखी जी गाम राम काट के दी मान तो पंचायत ने काट के दी जी बस है बिजली का भी है मान लो लाइट का भी सारी चीज की सुविधा है जी। क्या नाम आपका? आपको मेरा गुड्डी नाम है जी।